मैं महेश सोनी एडवोकेट्स महासचिव राकेश भूषण। जैसा कि आपको बताइए कि सिंध शहर सूफी संतों का शहर है, था भी और आज भी है। वहाँ पर हमारे संत भगत कंवरराम का जन्म हुआ। ये बहुत उच्च कोटि के सूफी संत हुआ करते थे, जैसे मीरा रैदास और नानक कृष्ण के संत थे। इनको बचपन में अल्प आयु में ही ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो गया था। ये गीत गाते हुए अपना जो है नाचते हुए अपना सिंध शहर में घूमते थे। इनके बारे में ये प्रचलित था कि इनके मुंह से निकली वाणी सच्ची होती थी। इनको सक्कर के रेलवे स्टेशन पर गोलियों से भून दिया गया और ये शहीद हो गए, क्योंकि इन्होंने हमेशा देश हित की और आज़ादी की बात की थी। इसलिए इनके बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए, इसलिए इनको शहीद कर दिया गया। आज इनकी शहादत दिवस के अवसर पर हम लोगों ने दीप प्रज्वलित करके उनको नमन किया है और यहाँ पर हमने फलों का वितरण भी किया है उनकी शहादत दिवस। जय।